बानो कहती थी किसी को मोहब्बत में छोड़ना उसका कत्ल करने के बराबर है। मोहब्बत लेन देन नहीं, सिर्फ देन है। एहसासे कमतरी में मुब्तला इंसान नाकारा हो जाता है। हर किसी को सफाई ना दे, आप इंसान है झाड़ू नहीं। औरत के कानून के मुताबिक अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो इस ज़मीन की बाकी तमाम औरतों से तुम्हें लाजमी नफ़रत होनी चाहिए। आदतें अचार नहीं होती, कह डाल ली जाए, आदतें तो दीमक होती है, ये लग जाया करती है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक दिल और रूह से होता है। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर आपका साथी फिर भी आपसे खुश नहीं तो उसे आज़ाद कर दे और उसे ढूंढने दे आपसे बेहतर। यकीन करे मोहब्बत ठुकराने वालों की तरफ मोहब्बत कभी पलट कर नहीं आती। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अपना दामन साफ हो फिर भी नज़रअंदाज हो तो खामोशी से एक तरफ हो जाए, इसी को इज़्ज़त-ए-नफ्स कहा जाता है। औरत जब किसी मर्द पर दिल हार बैठती है तो फिर कोई दूसरा उसे फतह नहीं कर सकता। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां मर्द एक गुसल करके पाक हो जाता है जबकि औरत अपनी पाकी साबित करने के लिए पूरी ज़िंदगी लुटा देती है। जब भी कोई दिल दुखाए तो उसे सिर्फ इस वजह से दिल से माफ़ कर दो कि मेरा रब भी मुझे रोज़े महशर में इस तरह माफ़ फरमाएगा। औरत मर्द की अमीरी गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, वो तो बस उस मर्द से मुतासिर हो जाती है कि कोई मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। औरत को अपने प्यार में पागल करना है तो उसको इज्जत दो। औरत को इज्जत दोगे तो वो खुद बखुद तुम्हें पसंद करने लगेगी।